रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुसैन खान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। तो आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हाथों के फनकारी होती है, यानी कि हाथों के साथ तस्वीरें बनाई जाती हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कब ये शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या सोचकर, और अभी तक किस किस की इन्होंने तस्वीरें जो हैं वो बना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, आपका नाम? आसिफ जुवेद है मेरा नाम, और शॉप का नाम सागर ऐड के नाम से चल रहा है। 94 से जो है ना वो तक ये काम शुरू किया हुआ है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, चल रहा है काम, बेहतरीन चल रहा है। तो पेंटिंग के हवाले से हैंडमेड भी चलती हैं तस्वीरें, और इसके अलावा लैंडस्केप भी, और इसके अलावा कैलीग्राफी भी, और ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, दोस्त भी और भाई भी हैं, ये भी काम अच्छा करते हैं। ये सभी इन्हीं का काम होया हुआ है। तो आप इसके अलावा बस चल रहा है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो ये क्या सोचकर शुरू किया था? दूसरा भी बहुत ज़्यादा काम थे, तो ये क्यों? ये जब पढ़ाई से मैं फ़ारग हो के ना तो किसी काम में निकला, तो मुझे एक उस्ताद मिले थे, वो मुनव्वर साहब, मुनव्वर आर्टिस्ट, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, 96 में वो इंतकाल कर गए थे। तो उनकी तरफ से देख के ना, उनके साथ रहा था का 2-4 साल ना, तो उनकी तरफ से देख के कुछ शौक़ आया। कुछ मेरा एक दोस्त था, वो भी यही काम करता था, उसके वाले से भी देख के शौक़ आया, तो वो इतना शौक़ आगे को बढ़ा के दिन रात यही मेहनत मशक्क़त कर कर के ना, तो इस फील्ड में कोशिश की के आऊँ। तो उस दौर में 1994 में ये काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता था, बैनर्स का भी, बोर्ड्स का भी, तो बस चल रहा था इसको। फिर चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए, मेहनत करते करते जैसा भी है। तो अभी तक आपने किस किस की जो मशहूर शख्सियतें हैं, किसकी किसकी तस्वीर बनाई है अभी? शुरू शुरू में काफ़ी एक दो गांव का बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे आर्डर दिया था, 24-25 तस्वीरें थी, तो कुछ उनके घरों की थी, कुछ ये अज़ीज़ भट्टी शहीद, राशिद मनास, इनके वाले से, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पुराने एक्टर जो हैं, एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस जो हैं, उनकी तस्वीरें बनी थी। तो उस वक़्त में ना वो काफ़ी हाइन जो है ना साफ़ हो गया था। तो उसके बाद चलते चलते स्कूलों का काम चला, स्कूलों में ज़्यादातर कार्टून्स वगैरह, सीनरीज वगैरह, उसके अलावा ये कायदे आज़म की तस्वीर, अल्लामा इकबाल की तस्वीर चलती है अक्सरियत में, तो वो ज़्यादा चलती रहती हैं। और इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान, फातिमा जना, और काफ़ी ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा हो गया चलते चलते, अब चल रही हैं बस। तो ये हमारा सहेब भाई हैं, तो इनका भी हैंड जो है वो काफ़ी जो है ना वो बेहतर चल रहा है इनका भी। तो सारा काम अभी यही करते हैं, करते रहते हैं। तो वैसे ये जो पेंटिंग का लाइन है ये अभी इतनी को कम हो गई हुई है कि इससे वो नहीं चल रहा सिस्टम, जो पेंटिंग है क्या ना, तो वो नहीं चलता, को भी बैनर्स भी कम हो गए हुए हैं, बोर्ड्स भी कम हो गए हुए हैं। तो पेंटिंग के हवाले से चल रही हैं बस, ऐसे शौक चल रहा है वैसे। हाँ, अल्लाह पाक रिजक दे रहा है, इसको ले के ख़रीद के घर जा के लगाया जा सके। वो कुछ शौकिया लोग हैं, वो बनवाते हैं, वो पैसे भी जो है ना वो अच्छे तरीके से देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। तो आप भी आर्टर्स हैं, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करते हैं? जी, ये मेरे उस्ताद हैं आसफ जवेद सागर साहब, तो ये अपने भाई हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ठीक है। तो हम बहुत अरसे दराज से जो है ना ये काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, सही चल रहा है। तो दूसरा ये है कि ये आस्ता आस्ता ना फील्ड हमारी ख़त्म होती जा रही है, तो ये हमारी हुकूमत को भी और बाशूर जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि आस्ता आस्ता ना इसको इधर लेके आए थोड़ा सा आगे, ताकि हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको भी पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्या काम है। तो खुशखती भी जो है ना उसमें सीखने को मिलेगी, बच्चे जो हैं वो भी अपना स्कूलों में अच्छे नंबर्स वगैरह लेंगे। तो इसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी
जो हुकूमत है वो इसको थोड़ा सारा आगे लेके आए। अच्छा, तो कब से ये शुरू किया है? ये तकरीबन मैंने स्कूल जब स्कूल जाता था छोटा सा तब से शुरू किया है ये काम, और अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है इस काम से। ठीक है, वैसे बचपन से शौक था तो इसको आगे लेके आया हूँ मैं। ठीक है, और अल्लाह की तरफ से है, और कुछ दोस्तों को देख देख के काम सीखा है, तो बचपन से जो ये मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले किसकी तस्वीर बनाई थी आपने? सबसे पहले मैंने हमारी एक टीचर थी उसकी तस्वीर बनाई थी, मिस कलसूम, उसकी तस्वीर, और एक सर भट्टी थे उनकी तस्वीर बनाई थी मैंने सबसे पहले। फिर लामा इकबाल, कायदे आजम और जितने हमारे कौमी हीरो हैं उनकी तस्वीर अब तक मैं बनाता आ रहा हूँ। वैसे भी कस्टमर आते हैं अपने घरों की तस्वीरें, वो भी बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैलीग्राफी, बैनर बोर्ड जो मिल जाए इस फील्ड में, घर में वॉल पेंटिंग और आर्नामेंट, इस तरह की जो भी चीज़ें मिल जाएँ वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। अच्छा रोज़गार चल रहा है माशाल्लाह। तो अभी हाल में किसकी तस्वीर बनाई है? अभी मैंने कल जो है ना वो एक खादम हुसैन रिजवी साहब महरूम की तस्वीर बनाई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और वो हम आपको दिखाएंगे सारे। वो वाटर कलर में काम किया हुआ है तो इंशाल्लाह और भी तस्वीरें हैं, वो इंशाल्लाह कल तक शुरू करेंगे। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि स्कूलों में हमें हायर किया जाए खताती के लिए, और जितने नए शौक़ रखने वाले स्टूडेंट हैं वो हम सीखें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है, इसका जो है ना आदमी कलर के अंदर खेलता है और फिर अंदर की सफाई जो है ना सारी इस कलर के साथ ही बाहर आती है अंदर की खूबसूरती में। तो बाकी यही है कि नए स्टूडेंट को आना चाहिए इस फील्ड में। शुक्रिया।